हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आपको मैं ग्रीन स्थिरम का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको आप आखिरी तक देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, बाकी जो सिंपल चीज़ें वो आपको छोड़ दूंगा। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या होगा आपका F1 होगा और ये क्या होगा आपका F2 होगा। देखो F1 क्या होगा, xy + y², F2 देखो क्या होगा आपका यहाँ पर एक्सिस का होगा। वेयर C1 इज द क्लोज्ड कर्व, ठीक है। C1 दिया तो इसको अपन C1 कर लेते हैं, ठीक है। C1 इज द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y = x एंड y = x². तो y = x अपना ये लाइन हो जाएगा और y = x² अपना कौन सा होगा, ये वाला लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं F1 F2 यहाँ लिख दिए हैं, और ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं उसको जो हम इस वाले वीडियो में आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ मैं। तो y = x दिया है, देखो यहाँ पर y = x² दिया है। तो यहाँ पर जब x को यहाँ पुट अप करूँगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, y को दो वैल्यू मिलेंगी। एक होगा x की दो वैल्यू मिलेंगी, x = 1 होगा, x = 0 होगा। तो 1 पे y भी अपना 1 निकलेगा, x की वैल्यू जब 0 आएंगी तो y की वैल्यू अपने क्या होगी, 0 होगी। तो दीज टू आर माई पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये अपना हो गया 0 0 और ये अपना हो गया 1 1। तो देखो अपना ये क्लोज्ड कर्व हो गया अपना, ये अपना क्या क्लोज्ड कर्व हो गया C1, ये अपना क्या C2 है। और यहाँ देखो हम क्या किया, एक स्ट्रिप ले लिए हैं ताकि अपर लिमिट लोअर लिमिट का कर्व अपन यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं ऑन C1। ये अपना जो कर्व दिया है C1, देखो यहाँ पे क्या होगा अपना, ठीक है। देखो अपने कौन सा C1 है, y = x², दैट इज y = x². तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, dy = 2x dx अपना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर साइक्लिक इंटीग्रल C1, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखेंगे अपन, xy + y² राइट हियर dx + x² dy, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बताओ क्या करेंगे, x देखो ये बताओ किसके लिए है। देखो अपन इसी इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो dx लिखा है तो x को रहने दो, y को अपन हटाएंगे, ठीक है। देखो y अपना क्या होगा, x² है कि नहीं, तो x² × x विल बी x³ हो जाएगा अपना ये, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, y² दिया है, तो वाई देखो अपना कितना दिया, x² दिया है, तो दिस विल बिकम x⁴, ठीक है। अपना हो गया राइट हियर dx, और यहाँ पे जो लिमिट रहेगी तो किसकी रहेगी, x की रहेगी। तो लिमिट क्या होगी, 0 से 0 to 1 रहेगी, 0 to 1, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, x² तो अपना क्या y है, ठीक है। तो देखो सिंस यहाँ पे dy लिखा तो हम क्या करेंगे, इसको y लिखेंगे यहाँ पे, तो dy लिख दिए। लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट 0 to 1 रहेगी। इसको आप सॉल्व करिएगा, यू विल गेट हाउ मच, दिस इज 19/20 एज योर आंसर इसका, ठीक है। वैसे हम का देखो क्या करेंगे, आप C2 वाले में आएंगे, ठीक है। तो ऑन C2 देखो y = अपने क्या x दिया हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स dy = dx, ठीक है। तो अब ये अपना हो गया है, अब इस वाले कर्व में आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रल C2 यहाँ पे निकालते हैं आप, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो वही लिए, जो फॉर्मूला दिया है उसको पहले आप लिख लो, दैट इज मतलब जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लो यहाँ पे पहले, फिर अपन अगले स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। +x² dy इसको अपन यहाँ पे क्लोज कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो सॉरी यहाँ पे dx लिखा है, तो मुझे करना क्या, देखो यहाँ पे y को हटाना है। तो देखो y = क्या है, आपने x दिया, तो दिस विल बी x² + यहाँ अपना क्या आएगा, अगेन x² आएगा। देखो यहाँ पर dx, तो बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 1 से 0 होगी, बिकॉज देखो अगर मैं C2 बात करूँगा तो देखो C2 कहाँ शुरू होगा, यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो यहाँ देखो क्या है, अपनी लिमिट 1 है, और यहाँ बताओ अपनी लिमिट क्या है, 0 है, किसके लिए, x के लिए, ठीक है। तो यहाँ बताओ क्या होगा, 1 to 0। वैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, x² लिखा है, यहाँ पर dy लिखा है, तो x को हम क्या करेंगे, y पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम y² dy, लिमिट अगेन 1 to 0, ये अपना हो गया। इसके वैल्यू को निकालना, दिस विल बी हाउ मच, -1, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देखो तो देयरफॉर साइक्लिक इंटीग्रल अंडर द कर्व C, ठीक है, xy + y² dx + x² dy, ये अपना पता कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर कर लो, दैट इज 19/20 -1, दिस इज हाउ मच, -1/20, ठीक है। ये अपना पहला वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब मुझे करना क्या है, दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करना है,
ठीक है, ओके। नाउ डबल इंटीग्रल अंडर कर्व रीजन आर डेल एफ टू अपॉन में डेल एफ सॉरी डेल एक्स माइनस डेल एफ वन अपॉन में डेल वाई, ये अपन निकालेंगे। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा देखो, तो डी एक्स और यहाँ तुम्हारा क्या होगा डी वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये बताओ तुम्हारा क्या आएगा, देखते चलो। एफ टू, एफ टू मतलब ये वाला होगा। देखो एफ टू देखो क्या किया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो दिस विल बी टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस एक्स, ये ठीक है। फिर माइनस एफ वन, देखो यहाँ कितने टर्म्स, दो टर्म्स दिए हुए हैं। और देखो क्या बोला यहाँ पे, वाई के रेस्पेक्ट में करने के लिए, तो वाई के रेस्पेक्ट में करने पे देखो अपने क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा और देखो यहाँ पे तुम्हारा बचेगा टू वाई बचेगा। तो सिंस यहाँ नेगेटिव है, देखो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू वाई लिखेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ क्या लिखूंगा, डी एक्स लिखूंगा, फिर देखो यहाँ क्या लिखा, डी वाई लिखूंगा। तो यहाँ पर तो वाई की लिमिट होगी, यहाँ देखो क्या होगी, एक्स की लिमिट होगी। तो देखो वाई अपने बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो लोअर लिमिट क्या है, इस वाले कर्व में है। देखो अपना क्या है, वाई कोस्ट एक्स स्क्वायर है, तो राइट है एक्स स्क्वायर, ये अपने क्या है वाई की लिमिट है। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी वाई लिखा है, तो वाई की लिमिट यहाँ पे आएगी। ठीक है, और देखो अपर लिमिट देखो कहाँ पर लाइन पे है, दैट इज वाई कोस्ट टू एक्स, तो यहाँ पर देखो एक्स लिखो। और यहाँ बताओ क्या होगी, एक्स की लिमिट होगी, दैट इज़ फ्रॉम वन टू सॉरी वन टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ लिखो सॉरी जीरो टू वन, ये अपने क्या है एक्स लिमिट जीरो है, और यहाँ देखो यहाँ पे क्या है वन दिया हुआ है, तो दिस इज जीरो टू वन। ठीक है, अगेन एक सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, डबल इंटीग्रल है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, दिस इज ये कितना आएगा आपका, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये भी उतना ही आएगा, दैट इज़ माइनस वन अपॉन में ट्वेंटी। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत ईजी सा है ना। ठीक है, तो सिंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है, विच इम्प्लाइज ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, बस थैंक यू।